Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So, which class we have today? आज हमें कौन सी क्लास है हमारी? किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तो बहुत पढ़ लिया. आज हम EVS पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? EVS. EVS मतलब Environmental Studies. Okay. So, let's start. EVS में क्या पढ़ेंगे? अच्छा बच्चों, EVS में सब पहली क्लास में मैंने आपको myself सिखाया था ना. हाँ, myself is the base. तो आज हम next chapter पढ़ेंगे. next chapter में बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी my body. क्या पढ़ाऊंगी? my body यानी हमारा शरीर. ठीक है, क्या पढ़ाऊंगी? body मतलब शरीर. आप सबके शरीर के parts बताऊंगी कि आपके शरीर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सबकी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, आईज, नोज, माउथ, लिप्स होते हैं ना. आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी ईवीएस में, यानी कि माय बॉडी पार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो पे अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड. बोर्ड पे अटेंशन पे करो. देखो मैम ने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है ना. वो इसी मैम ने एक लड़की बनाई है बोर्ड पे, बनाई है ना, एक लड़की की बॉडी बनाई है जिसपे मैम ने सारे बॉडी पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं. मेंशन क्यों ना, इसी डायग्राम्स की हेल्प से टुडे आई विल टीच यू बॉडी पार्ट्स थ्रू दिस डायग्राम. ओके, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे डायग्राम की तरफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं माय बॉडी पार्ट्स में ऊपर से. अच्छा ये देखो, सी दिस, ये क्या है? अच्छा मैम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगी जो इस पे डायग्राम बना हुआ है उससे, और उसके बाद मैम अपने ऊपर भी वो दिखाएंगी कि मैम का वो बॉडी पार्ट कहाँ है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना. पहले हम डायग्राम से देखेंगे और उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ है. ठीक है, ओके, तो ऊपर से स्टार्ट करो. सबसे पहले देखो ये क्या है बच्चों, ये हेड है ना इस लड़की का, इसका दिस इज व्हाट, व्हाट इज दिस, दिस इज हेड. हेड है ना इसका. हाँ, हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब होता है सर, हमारा सर, सबका सर है ना. मैम का हेड कहाँ है? ये जो पोर्शन है ना पूरा, दिस इज व्हाट कॉल्ड हेड. हेड क्या कहते हैं इसको? एच ई ए डी, हेड, हेड कहते हैं ना. ओके, सबको समझ में आ गया हेड क्या होता है. ओके, नेक्स्ट देखो, हेड के बाद बच्चों हमारी आती है आईज. आईज तो सबको पता होगा, आईज का मतलब होता है आंखें. क्या होता है? आंखें. मैन की आईज कहाँ है? ये है ना. सो दीज आर अवर आईज, ये हमारी आंखें होती है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे आईज के बाद बच्चों है नोज. क्या है? नोज, इसकी नोज है ना. देखो नोज, सबकी नोज, सब अपनी अपनी नोज पकड़ के दिखाओ, कहाँ है आपकी नोज? दिस इज व्हाट, दिस इज अ नोज. नोज का मतलब होता है नाक. ठीक है, समझ में आया? सो नेक्स्ट देखो, उसके बाद बच्चों है चिन. चिन, चिन ये जो ऐसे होती है ना आपके फेस पे, यहाँ पे लास्ट में ऐसे है, ये जो एजिंग एरिया होता है इसको बोलते हैं चिन. चिन का मतलब होता है बच्चों थोड़ी. क्या होता है हिंदी में चिन को? थोड़ी कहते हैं. ठीक है, सबके होती है ये. सो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव नेक. व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेक. ये देखो मैम की नेक है ना. नेक का मतलब होता है गर्दन. क्या होता है? गर्दन. नेक का मतलब गर्दन, सबकी नेक है ना. अच्छा किस एनिमल की नेक बहुत लंबी होती है? चलो ये होमवर्क है, सारे बच्चे मुझे बताएंगे किस एनिमल की नेक लंबी होती है. ठीक है, मैं जूम क्लास में सबसे पूछूंगी और आपको आंसर करना है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट वी हैव हैंड. हैंड है ना ये, हैंड का मतलब ये, इसका हैंड देखो, हैंड है ना. हैंड का मतलब होता है बच्चों दिस इज हैंड, ये हाथ है. हैंड मतलब हाथ, हाथ जिससे हम सारे काम करते हैं, करते हैं ना, तो हाथ का मतलब होता है हैंड. ओके, नेक्स्ट वी हैव हैंड. मेरी बच्चों ये होती है ना हमारी अलग अलग बॉडी.
पकड़ते हैं, जिससे चीजें पकड़ते हैं उनको कहते हैं फिंगर्स। फिंगर्स यानी उंगलियां, ठीक है।